हेलो एंड वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मनुष्य पाचन तंत्र के बारे में। ये होगा बायोलॉजी का पार्ट वन। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, डरिए मत, आपको बोलूँगा नहीं लाइक करना, ना ये बोलूँगा सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसा आपको सही लगे वैसा करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनको तो आइडिया होगा इसका, लेकिन अगर आपने फॉर्म पहली बार फिल करा है, CGL का टारगेट पहली बार आप सेट कर रहे हैं माइंड में अपने, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं MTS की, जिसका एग्जाम होना था, कुछ एग्जाम हुए भी और कुछ एग्जाम क्या सारे के सारे एग्जाम कैंसिल हो गए, MTS का एग्जाम दोबारा होगा, तो उनको शायद इस बात का आइडिया होगा कि उनको GS में सबसे पहले कौन सा पार्ट कवर करना है। अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप GS में हिस्ट्री उठाइए, उसके बाद आप ज्योग्राफी उठाइए, या हिस्ट्री के बाद आप बायोलॉजी कवर कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी से मैक्सिमम कवर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी सारे कवर हो चुके हैं, वीडियो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट तैयार है उसकी, आपने वो सब वीडियो देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो देखना जरूर उसको और ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिए, आज मैं बात करूंगा बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है SSC के, तो इसलिए ठीक है बायोलॉजी को भी कवर करते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, सर इसके अलावा कुछ और नया सब्जेक्ट पढ़ाओ, ठीक है मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओ, बायोलॉजी पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, सर बहुत कुछ कवर कराओ लेकिन जल्दी कराओ। देखिए, जल्दी जल्दी मैं वीडियो इसलिए नहीं करता अपलोड की, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है और यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है कि सेम टॉपिक के आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे कि क्या सेम टॉपिक के यूट्यूबर्स बैठ के सुन रहे हैं तुम्हारा वीडियो, वो नहीं सुनते, लेकिन जो टाइटल होता है ऊपर का, जो मैं वीडियो में टाइटल देता हूँ कि हाँ भी घटना चक्र बुक पार्ट 3 मनुष्य पाचन तंत्र, इसका दूंगा मैं, ठीक है। अब उनको पता कि घटना चक्र इन्होंने लिखा है टाइटल में, तो मतलब कि ये सेम वीडियो पब्लिश कर रहा है इस बुक के, और वैसे भी बुक की पब्लिकेशन करके वीडियो बना करके देना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्की भी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कहना कि किसी पब्लिशर्स को काट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं रिस्क इतना नहीं लूंगा कि आप बोलो कि 10-10, 20-20 वीडियो बना के पर डे के डालो, तो चैनल पे उसमें बात आ सकती है, चैनल सस्पेंड हो जाता है। तो ये चीज मुझे इतनी डिटेल में आपको बताना पड़ा क्योंकि मैं मजबूर था, क्योंकि काफी सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, तो वीडियो पब्लिश फास्ट ना करने का रीजन सबसे बड़ा ये होता है मेरे पास में, और जो चीज फैक्ट है, यकीन ना हो तो कोई बात नहीं, आप खुद एक बार इस फील्ड में आके देखिए, बनाइए वीडियो, जब आपको मिलेगी स्ट्राइक तब आपको फील होगा कि हाँ यार स्ट्राइक मिलती है, ये होता है वैसा होता है, तो ऊपर पर व्यू आप देख लेते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है उसके बारे में जानने के लिए आपको पहले इसमें इसके समुंदर में उतरना होगा, तब चलेगा आपको पता कि गहराई क्या है, ठीक है। देखिए, बात बहुत अधिक हुई, फिलहाल मैं बात करूंगा मनुष्य पाचन तंत्र जीव विज्ञान का। इस ये जो बुक है, इस बुक में जीव विज्ञान जहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है जो कवर करा गया वो करा गया, देखिए यहाँ पे पाचन तंत्र, मैं दिखाता हूँ आपको बुक का पहला पेज, देखिए यही है जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान मतलब, और पहला स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है इसके पाचन तंत्र के। यहाँ तक क्लियर कि हम शुरुआत कर रहे हैं, कोई बीच में कोई चैप्टर स्किप नहीं करा हमने, कोई पेज स्किप नहीं करा है, और आई होप आपको ये आराम से फॉन्ट भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। अगर बात करी जाए बॉडी में, सबसे ज्यादा कार्बन होता है, आयरन होता है, नाइट्रोजन होता है, या फिर ऑक्सीजन होता है। तो बॉडी में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन। मैं इसको कवर करता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें और डिटेल में बताने के लिए कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बात करें अगर हम की कार्बन, हमारे बॉडी में जो होता है कार्बन केवल 20% होता है, ये 20% कार्बन होता है हमारी बॉडी में, और हाइड्रोजन होता है 10.000% और नाइट्रोजन होता है 3.00%। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतयात में कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर बात करें संख्या की दृष्टि में तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज देखिए, पढ़िए, बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत डिफरेंस है पढ़ने में। तो वो यहीं पे क्या करता है, आपका जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, वो आपके ये स्किल्स देखना चाहता है कि अगर उसके सामने क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी जाए तो क्या वो हमारी चेंज लैंग्वेज को पकड़ पाता है या फिर नहीं पकड़ पाता। आपको किसी से कोई चीज सिंपल मांगनी है कि मुझे चाय ला दो, मुझे चाय पीनी है, ठीक है। एक तो इंसान ने ये बोला कि मुझे चाय ला दो, मुझे चाय पीनी है, और एक इंसान ने ये बोला कि चाय बना दो, चाय पीनी है। दोनों का मतलब सेम ही है,
कहीं ना कहीं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी। कुछ लोगों को सेम फॉर्मेट पसंद है कि हाँ भाई उसको डिट्टो लाइन चाहिए, तो ऐसा नहीं होता एसएससी में। एसएससी आपसे पूछ करके एग्जाम डिजाइन नहीं करेगा, पेपर सेट नहीं करेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है वहां पर। तो दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये स्किल्स डेवलप करिए। कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो माइंड में उसको पॉज करिए क्वेश्चन को, और देखिए कि इसमें से नया क्वेश्चन क्या बन सकता है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि ये स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, अगर नहीं करते हैं तो आपको जीएस हमेशा के लिए हवा लगता था, हवा लगता है और हवा लगते रहेगा। हवा क्या होता है आई डोंट नो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ो तो थोड़ा तरीके से पढ़ो, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, लेकिन लॉन्ग लाइफ तक इसका साथ बने रहे, ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था आपका ऑक्सीजन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। ये होती है आपके जीवा के पार्श्व किनारे पर, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका होती है। कोई चीज खट्टी है हमें कैसे जलती है बता, वो जो भाग होता है हमारी जीभ का, हमारी जीवा का, तो वो होता है पार्श्व भाग। तो ये भी देखिए एग्जाम में एसएससी सीपीओ परीक्षा 2008 में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि आहार में लवण का मुख्य प्रयोग है क्या है। आहार में लवण का मुख्य प्रयोग क्या है, तो इसका राइट आंसर है भोजन को स्वाद बनाना। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्यों। क्योंकि यह क्या होता है, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। तो आप ये याद रखिएगा इसका आंसर, और ये पूछा गया है सीजीएल टायर 1 में 2015 के एग्जाम में। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ मतलब डीप फ्राई जो होते हैं, तले हुए पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। ज्यादा तला हुआ खाने से क्या होता है, कैंसर होता है, क्योंकि उनमें प्रचुरता किस चीज की होती है। आखिरकार कैंसर क्यों हो जाता है, ऐसा उसमें क्या होता है भाई, तले हुए खाद्य पदार्थों में उसमें होती है वसा, और वसा के कारण क्या होता है उसमें होता है फिलहाल कैंसर जनक रोग हो सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यह है प्रोटीन, ये क्या है, यह है प्रोटीन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो ये होती है प्रोटीन के लिए, तो आप याद रखिएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजनी आहार है क्या, प्रोटीन। नाइट्रोजनी आहार है वो क्या है, वो है प्रोटीन। और निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं, देह का निर्माण करने वाली, शरीर का निर्माण करने वाली किसको बोलते हैं, और ये किससे मिलके बना होता है, ये तो बोलते हैं हम लोग प्रोटीन को, और प्रोटीन एक्चुअली किससे मिलके बना होता है सवाल उठता है ये। और एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि प्रोटीन किन से मिलकर बना होता है, किन अम्लों से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है एमिनो अम्लों से। देह निर्माता किसे कहते हैं एग्जाम में ये पूछेगा, तो आपको राइट आंसर लगाना है प्रोटीन, और ये बना होता है एमिनो अम्लों से। क्वेश्चन नंबर 11, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, ये मिलता है डाइस्टेस, याद रखिएगा ये किससे मिलता है, ये मिलता है डाइस्टेस से। आगे बात करते हैं कि एंजाइम होते हैं क्या, एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन होते हैं। हमको लगता है कि एंजाइम सूक्ष्म जीव होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अधिकांश बच्चे ऐसी गलती एग्जाम में करके आते हैं, वो लगा के आते हैं आंसर ए, यार एंजाइम मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब है सूक्ष्म जीव हो सकता है, चलो ठीक लगा के आते हैं, या तो ए लगाएंगे या लगाएंगे डी, तो बी पे उनका कोई फोकस नहीं होता है, लेकिन राइट आंसर होता है इसका बी, मतलब प्रोटीन, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम अगेन देखिए रिपीट करा उसने, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं प्रोटीन, या एंजाइम होते हैं, देखिए दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज कुछ नहीं है, सेम ही है, बस थोड़ा सा उसमें क्या लगा दिया, उसमें क्या नहीं लगाया, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया 2013 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं एपो एंजाइम। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं क्या, आवश्यक एमिनो अम्ल।
जिसमें आवश्यक एमिनो अम्ल होंगे और वो क्या होंगे, प्रोटीन का स्रोत बहुत ज्यादा होंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से, और मछली में पाया जाता है आपका एमिनो अम्ल, राइट। आगे बढ़े, देखिए मुझे पता है कि कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, मैं ये अप डाउन कर रहा हूँ तो एक हेडक हो जाती है। एक बच्चे का कमेंट में मेरे पास में आया था कि सर आप जो अप डाउन करते हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। देखिए कुछ बच्चे होते हैं कहीं भी मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो मैनेज आपको करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे मैनेज कर लो ठीक है जितना मैंने व्यू कर रखा है, वरना आप चाहो तो ऐसे मैनेज कर लो। अब बताइए आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक टाइम पे एक पेज को सामने डिस्प्ले पे आपको दिखाऊं करके और पढ़ना शुरू कर दूं, आपको दिखाई दे रहा है? मुझे बताइए ऐसे करूं या फिर ऐसे ही रखूं, या तो बुक को परचेज कर लो। तीसरा ऑप्शन यही है कि अमेजन पे जाओ, वहां पे सर्च करो, आपको ये बुक आराम से मिल जाएगी। अगर वहां से परचेज नहीं करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर लेना, एज यू विश, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लेना ठीक है। बट टारगेट ये है कि नंबर आना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, पढ़ो बैठ करके ठीक है। पढ़ोगे ध्यान से नंबर आएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, वो तो फिर आप जानो भगवान जाने। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है क्या, लार ग्रंथि। और क्वेश्चन नंबर 17 के किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है। आकार जो होता है मैक्सिमम जो बदलता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि इसमें हमें मैश मेकिंग करनी है और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप एक काम करिए कि आप कुछ मत करिए, अब तो पेन पेपर उठा लो, अब तक अगर पेन पेपर नहीं उठाया है ना, मैं सच कह रहा हूँ पेन पेपर उठा लो, इसमें आपकी भलाई है। देखिए बच्चों मैं चाहता हूँ, देखो मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, साउंड का ध्यान रखते हैं, फैन नहीं चलाते हैं सर के ऊपर अपने, एसी चला के रखते हैं साइड में, उसका बिल आता है। अगर हम लोग इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं साइड में कि ठीक है गर्मी में वीडियो कुछ लोग बनाते हैं ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एसी तक नहीं होता ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के साइलेंस में तब बनाते हैं वीडियो बिना फैन चलाए। तो वो अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए मेहनत कर सकते हो ठीक है। उन्हें ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कि बहुत तगड़ा बहुत पैसा मिल रहा हो उनका, यूट्यूब की तरफ से वीडियो दिखाने में कुछ नहीं मिलता उनको भी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप भी अपने लिए कष्ट करिए और उसको वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए। देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आप लिख लीजिए, आयोडीन की कमी से होता है गैंगा जिसे बोलते हैं गलकंड, और जो सेकंड जो रोग होता है आयरन की कमी से होता है सूक्ष्माणु रक्त पलकता, और जो आपका नियासीन हो जो रोग होता है वो होता है पेलिग्रास से, और विटामिन B12 होता है आपका प्राणसी रक्त पलकता से ठीक है। तो किस किस की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है रोग स्कर्वी, वो भी आप लिख लीजिए साथ में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि देखिए इसमें शायद सुन दे रखा होगा, 19 में कह रहा है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। दूध में सबसे बड़ा जो तत्व होता है वो होती है शर्करा। दूध हमको कैसा लगता है पीने में, ये लगता है मीठा, तो मतलब चीनी शर्करा। पित्त का स्रोत क्या है, ये होता है यकृत, और इसका पीएच वैल्यू क्या होती है, एग्जाम में आपसे पीएच वैल्यू पूछता है, तो पीएच वैल्यू को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अभी याद करेंगे, इसे नोट नहीं करेंगे ठीक है, इसको अभी याद करेंगे। आगे बात करते हैं कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, ये होता है आपका यकृत में, किसमें होता है यकृत में। आगे बात करते हैं कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है क्या, अम्लीय। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, लीवर किससे भरपूर स्रोत है, लीवर में मैक्सिमम क्या होता है, ये होता है वसा घुलनशील विटामिन। लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लीवर में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है किस चीज की, अगर वो चीज अगर सब्जियों में से निकाल दिया जाए तो सब्जी काफी लंबे समय तक चलेगी। हम कहते हैं सब्जी खराब हो गई, भाई सब्जी खराब हो गई फेंक दो, फ्रिज में सब्जी रखी है फेंक दो, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो हमारी सब्जी जल्दी खराब क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है अधिक मात्रा में जल होता है, तो इसलिए क्या होती है जल की अधिक मात्रा होती है इसलिए सब्जियां खराब हो जाती है। लेकिन काफी बेसिक क्वेश्चन है, हम सोचेंगे क्या कि सब्जी में टमाटर होता है ज्यादा तो इसलिए सब्जी खराब हो जाती है, तो आपको ऑप्शन में टमाटर दे सकता है ठीक है, बट वो बायोलॉजी के क्वेश्चन में आपको जल पक्का देगा और जल ही इसका राइट आंसर होगा। तो वहां पे आपको अपनी अपनी मास्टर शेफ क्वेश्चन दिखाना, उसमें आपको सिंपल आपको याद रखना है कि जल।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है यकृत का। याद रखिएगा, ये काम किसका होता है? ये काम होता है यकृत का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? तो ये होती है आपकी सुक्रोज। किस प्रकार की होती है? ये होती है सुक्रोज। आगे बात करते हैं 27 कि खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या हैं? ये है सोयाबीन और मूंगफली। क्या है ये? सोयाबीन और मूंगफली। काफी प्यारा क्वेश्चन है। जो लोग प्रोटीन में कोई अदर नॉनवेज कुछ यूज नहीं करते हैं तो वो इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज होती है, मतलब खाने के पर्पज से। बाकी आप लोग समझदार हैं। आगे इस वीडियो में इतना नहीं, इस चैप्टर में इतना नहीं है बताने के लिए कि आपको मूंगफली के सारे स्रोत के बारे में कहाँ क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तथा मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ मिलती है? बात करी जाए सोयाबीन की तो सोयाबीन हमको मिलता है मध्य प्रदेश में, और बात करी जाए मूंगफली की तो मूंगफली मिलता है हमको कहाँ पर? गुजरात में। हमारे नरेंद्र मोदी कहाँ के पूर्व सीएम थे? ये थे गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। और सॉरी, सीएम कह रहा हूँ, पीएम मोदी जी। तो मोदी जी को मूंगफली काफी पसंद है। मोदी मूंगफली गुजरात, मोदी मूंगफली गुजरात, ऐसे आप याद कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका केराटिन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है केराटिन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? ये बने होते हैं केराटिन के। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, याद रखिएगा, इसमें भी केराटिन था कि रेशेदार प्रोटीन क्या है? केराटिन। और इसके नख, खुर और सींग बने होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि कौन सा द्रव्य त्वचा के परत को जल के लिए अमेघ बनाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर भी केराटिन रहेगा। आगे बात करते हैं किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो ये करती है आपका कॉपर। ये करती है आपका क्या? कॉपर। आगे बात करते हैं कि नींबू में खटास किस चीज की होती है? नींबू खट्टे होते हैं, क्यों होते हैं? अगर वो चीज उसमें से निकाल दी जाए तो खटास खत्म हो जाएगी। तो ये होती है आपका सिट्रिक अम्ल के कारण। अब बात करते हैं आपका सिट्रिक अम्ल का पीएच वैल्यू। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम लोग, पीएच वैल्यू इसकी क्या है? देखिए पीएच वैल्यू इसकी है 2.0 से लेकर के 3.0, मतलब 2 से लेकर के 3 तक के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है। और खट्टे फलों में क्या मिलता है? विटामिन सी। अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ये माना जाता है इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। ठीक है, ऐसा लाभ कहीं नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 35 कि लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ये करती है स्टार्च के, भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना, मतलब लोई टाइप की, जैसे आटा होता है आपका। तो ये क्या करता है लार, उसको एज ए मुंह के अंदर काफी मेल्ट कर देता है ताकि वह आसानी से निकला जा सके। लार में एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं एमिलेस होते हैं, जो स्टार्च को मोल्टास में तोड़ता है। स्टार्च को मोल्टास में कौन तोड़ता है? ये तोड़ता है एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है एमिलेस। क्या नाम है? एमिलेस। तो आप इसको याद रखिएगा। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर कि मुख से निकली लार पाचन करती है किस चीज का? ये करती है मंड का, स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? उसका नाम है ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर 38 अन्न एक समृद्ध स्रोत है किस चीज का? स्टार्च का। और दूध को दही में संकेतित करने वाला एंजाइम है क्या? रेनिन। इसका नाम क्या है? रेनिन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? गाय का जो दूध होता है उसका रंग हल्का पीला सा होता है, तो उसमें ऐसी क्या उपस्थिति होती है जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है? पीला हो जाता है।
उसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है कैरोटीन। दूध में कैरोटीन होता है जिसकी वजह से दूध कैसा लगता है हमको, पीला पीला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, कि आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है किस चीज का, आयरन और विटामिन सी का। दूध में ना तो विटामिन सी होता है ना ही आयरन होता है, तो इसको कंप्लीट भोजन हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, अधिक दूध पीने से बॉडी में क्या तकलीफ हो सकती है, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। 2012 के एमटीएस एग्जाम में ये पूछा गया था, 2008 में एमटीएस एग्जाम में ये पूछा गया था, और सीजीएल 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई मनुष्य दूध की अधिकतम मात्रा अपने आहार में लेता है तो उसके अंदर होने वाली बीमारी का नाम बताइए क्या होगा, उसको उसको किस चीज की तकलीफ हो जाएगी। तो उसके दांत बहुत जल्दी टूटने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि विटामिन सी दांतों के लिए आयरन, हड्डियों में काफी जल्दी उसको पेन हो जाएगा, वो चल नहीं सकता लेकिन वो दूध पीता है, ना तो मुंह में दांत है ना वो ढंग से चल सकता लेकिन दूध पीता है वो ऐसे। तो हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी होता है, डाइट जो करते हैं बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो डाइट में हर चीज का बैलेंस आप थोड़ा ध्यान में रखा करिए कि कोई चीज की अगर कमी लग रही है तो उसको मेंटेन करके चलिए। ठीक है, और ये डाइट के बारे में बात नहीं करना चाहता था मैं, एक्चुअली बात करना चाहता था आपसे आपकी स्टडी को लेकर के। आपके एग्जाम में आपके पास मैथ आना है, जीएस आना है, रीजनिंग आनी है, इंग्लिश आनी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एग्जाम का बैलेंस नहीं बना पाते और बहुत ही अच्छे नंबरों से हम लोग नीचे गिर जाते हैं या पास नहीं हो पाते। मैथ हमको अच्छा लगता है, हम सुबह शाम मैथ करते रहते हैं, लेकिन जिसमें हम वीक है हम उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि हम जब तैयारी करते हैं ना तो हम एक सब्जेक्ट के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ जाते हैं, और जब उसमें लगते हैं, जब हमको लगता है कि यार ठीक है इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट के चक्कर में हम इसमें इतने घुस जाते हैं कि बाकी सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, और ये गलती होती है, और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जहां मुझे आइडिया मिलेगा कि आप गलती कर रहे होंगे तो मैं वहां पे आपको टोकूंगा, मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। खट्टे दूध में होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में क्या होता है, दूध खट्टा क्यों हो जाता है, दूध में खटास महसूस होती है तो उसमें ऐसा क्या हो जाता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड क्या होता है, जम जाता है, बन जाता है। बात करते हैं 43 की, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं हम लोग पिलिया को, किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो है यकृत। क्या है, ये है यकृत। क्वेश्चन नंबर, हाँ यकृत से साथ में मैं आपको कुछ इसकी बेसिक डिटेल बताना चाहूंगा, जब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि लंबाई क्या होती है और उसका वेट क्या होता है। इसकी लंबाई होती है 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है ये यकृत, और बात करी जाए वेट की तो वेट होता है आपका 1.5, भार की बात करी जाए तो उसका भार होता है 1.5 किलोग्राम। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है क्या, यह है आपका कैल्शियम फास्फेट। क्या है आपका, ये है आपका कैल्शियम फास्फेट। और क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है, यह है आपका यकृत। याद रखिएगा ये क्या है, ये है यकृत। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, यह है आपका वसा, यह है आपका वसा। क्वेश्चन नंबर 48 कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है, तो ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट में। और बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन देता है, जो हमको एनर्जी मिलती है बॉडी को, तो वो कौन देता है, ये काम होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये किसका काम होता है, ये काम होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए, ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 49 में। तो कॉमन सी बात है, बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगा तो हमको ऊर्जा मिलेगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उसने टिपिकल बना दिया है, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दी, बच्चे कंफ्यूज एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे इस क्वेश्चन को, या फिर अटेम्प्ट करेंगे तो गलत करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो अपने माइंड में उसका एक अलग से क्वेश्चन डिजाइन कर ले कि हाँ अगर ऐसा पूछा तो क्या होगा, ऐसा पूछा तो क्या होगा, वैसा पूछा तो क्या होगा। तो ये सब आप देखिए थोड़ा सा, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो उसका नाम है आपका केसीन एंड लैक्टोज। अगर प्रोटीन की बात करी जाए, शर्करा युग्म जो है वो है आपका केसीन और लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 52 कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है, उसका नाम है आपका फ्रैक्टोज।
सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? मीठी मीठी वो है आपका फ्रैक्टोज। क्या है आपका वो है आपका फ्रैक्टोज। तो आप इसको याद करिए, लिखिए, कुछ भी करिए। क्वेश्चन नंबर 54 की कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? यह है आपकी फ्रैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 55 की निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? उसका नाम है विटामिन ए। क्या नाम है इसका? इसका नाम है विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये मुझे आप लिख कर भेजिए कमेंट बॉक्स में। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 56 की तंतु आहार में शामिल होता है, ये होता है सेलुलोज। और हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति, शरीर से ऊष्मा की क्षति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकालन करने के लिए किया जाता है? यह है तेल में असंतृप्ति, तेल में असंतृप्ति। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका न्यूक्लिक अम्ल से। किससे? न्यूक्लिक अम्ल से। अब देखिए जो मैं बात करने जाऊंगा आपसे क्वेश्चन 60 के बाद, काफी अच्छा पॉइंट है, काफी तथात्मक प्रस्तुति है, वन लाइनर जीके है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है और कई बार पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? ये आपका प्रोटीनों का। किसका? प्रोटीनों का। अब देखिए यहाँ पे कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण मतलब जल की कमी के कारण होता है। आपसे पूछता है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है, आपको चार ऑप्शन देगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल की कमी, या फिर अदर ऑप्शन। तो आपको याद रखना जल की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। तो ये आप प्लीज 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 आपसे बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि टाइम पे आपको सिलेक्शन हो तो आप इसको नोट करिए, ठीक है, अभी नोट करिए। बाकी अगर एज ए प्रवचन के रूप में आप सुन रहे हैं उसको तो नोट मत करिए, हाथ जोड़ के बैठ जाइए वीडियो के सामने और बीच बीच में बोलते रहिए आप ओम का जाप करते रहो इसको बीच में अगर आप पढ़ रहे हो तो, क्योंकि काफी सारे बच्चे के लिए वीडियो देखते हैं बस सीधे सीधे नहीं सुनते इस वीडियो को, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ बच्चों ऐसा मत करो, डाटा खर्च मत करो, डाटा अगर इस चीज में खर्च कर दो किसी और चीज में खर्च कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आगे है कि असंजित सलसंभाम मतलब एडहेरेंट म्यूकोएड क्षारीय पदार्थों से अमाशय के भीतरी आवरण पर पेप्सिन का प्रभाव नहीं होता है, एसएससीजीएल 2001। आगे है एंजाइम के प्रयोग से होने वाली अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फेर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन पदार्थों को खाद्य तेलों में बार बार पकाने मतलब डीप फ्राई से कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेजा पायरीन का निर्माण होता है। और आगे बात करते हैं हम लोग की समापक बीजों में प्रजनन क्षमता न होने के कारण सरकार ने इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जंतुओं में पानी से सीधे ऊर्जा प्राप्त करने की एंजाइम प्रणाली नहीं पाई जाती। कौन सी प्रणाली नहीं मिलती है? वो मिलती है आपको एंजाइम प्रणाली, वहां पे नहीं होती है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में से दालों में लोहे की मात्रा अधिक होती है। देखिए आपको ऑप्शंस में ये पूछ सकता है एग्जाम में कि दालों में किस में क्या होती है लोहे की मात्रा अधिक होती है, आपको चार ऑप्शन देगा, चावल, सेब, संतरा और दालें, आपको याद रखना है दालें। आगे है कि जाइमेज एंजाइम के कारण ग्लूकोज का एथाइल अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चर्मणक दंत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 12 चर्मणक दंत पाए जाते हैं। मानव शरीर में वसा वसा उत्तक में जमा होती है और प्रोटीन का पेप्टोन में परिवर्तन पेप्सिन एंजाइम के कारण होता है। पित्त की उत्पत्ति यकृत में होती है और पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ पे जमा होता है? ये होता है पित्ताशय में। और पित्त की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, जन्म कहाँ पे होता है? इसका होता है यकृत में। और अम्लीय श्रावण जठर की विशिष्टता है। और हेपेटाइटिस जिगर का रोग होता है। हेपेटाइटिस किसका रोग होता है? ये होता है जिगर का। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने क्वेश्चन देखा था। यह जैव क्रियाओं में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तथा क्रिया के दरों को भी बढ़ाते
बढ़ाते हैं। दालें क्या होती हैं? दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती है। अगर बॉडी में आपको प्रोटीन चाहिए तो दालें खाओ। मक्खन तेल में परिष्कृत पानी है, जबकि क्रीम पानी में परिष्कृत तेल होता है। देखिए, ये हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझको भी। कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिए। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, और मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करने वाला अंग कौन सा होता है? ये होता है यकृत। शहद में क्या होता है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज। लवणों में से केवल कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है, जो हमको ऊर्जा उत्पादन करता है, हमको ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट। और मानव पोषण के लिए हिस्टिडीन एक अर्ध अनिवार्य एमिनो अम्ल माना जाता है। अंडा, मटर तथा मछली, तीनों में ही प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो अंडा मत खाओ, मछली मत खाओ, लेकिन मटर खाओ। क्या खाओ? मटर। तो इन सब में क्या होता है? इन सब में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। आगे बात करते हैं हम लोग की। म्यूकर और राइजोपस कवक है, और इनमें भोजन प्रतिष्ठित होने से पहले ही पच जाता है। लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज तथा ग्लूकोज विभिन्न प्रकार के शर्कराएं हैं, जिनमें ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन और एमिलेप्सिन एंजाइमों में से केवल इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? एग्जाम में ये पूछेगा, चार इंसुलिन आपको दे देगा, तो आपको याद रखना है इंसुलिन जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिलो अम्ल में बदल जाता है। किसके क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिलो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है? एग्जाम में पूछेगा, तो आपको याद रखना है पाचन क्रिया के समय। आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन एवं उनसे संबंधित रोग। विटामिन एवं उनसे संबंधित रोग। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो पहले एक बार प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर करना है तो करिए, और करने के बाद में आप प्लीज इस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी डांट आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपको जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड बहुत बड़े वाला ऑल द बेस्ट।